हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो देखिए, हमने टॉपिक 4 के पार्ट ए में पढ़ाया था, ऑल टर्म्स पॉजिटिव था, जितने भी टर्म्स थे क्या थे, प्लस में थे। आज मैं बताने वाला हूं कि प्योर नंबर निगेटिव होगा। टॉपिक 4 के पार्ट बी में बताने वाले हैं कि प्योर नंबर निगेटिव होगा। प्योर नंबर हम किसको कहेंगे? वेरिएबल के साथ न मल्टीप्लाई होगा न डिवाइड होगा, है ना। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए। यही हमारा उद्देश्य है ना, कि बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को दे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, टॉपिक 4 के पार्ट बी में टाइप 1 में हम बताने वाले हैं प्योर नंबर निगेटिव हो। अब देखते हैं प्योर नंबर क्या होता है। देखिए, सी किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, किसी के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो प्योर नंबर हुआ। देखिए, बी प्योर नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए बी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है। अब देखिए, इसको मिडिल टर्म हो गया। अब बात करते हैं ना कि इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने सोल्यूशन स्टेप्स दिया है। किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस होता है, तो हमने प्रोसेस दिया है। चलिए देखिए क्या करना है कि सी है, सी को हमने मान लिया कि पी क्यू नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमको आइडिया देगा कि बी को कैसे ब्रेक किया जाए। सी हमको आइडिया देता है कि बी को कैसे ब्रेक किया जाए। चलिए हमने बी को ब्रेक किया, पी और क्यू के दो नंबर के रूप में ब्रेक करेंगे। ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर होता है प्लस में होगा, जो छोटा वाला होता है माइनस में होता है। चलिए हमने बी के बदले यहां पर एक्सप्रेस कर दिया, लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस पी क्यू। अब यहां से कॉमन लिया तो ये हमारा एक स्टेप बना, फैक्टराइज करने के बाद एक्स प्लस पी एक्स माइनस क्यू। कहने का मतलब होता है, कोई कोई स्टूडेंट पहले लिख देगा एक्स माइनस क्यू, कोई कोई बाद में लिखेगा एक्स प्लस पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म आ चुका है, एक्स प्लस पी एक्स माइनस क्यू, यही है ना। आप एक्स माइनस क्यू को पहले भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस पी को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सके। सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 24। एक बात बताते हैं कि ये देखिए प्योर नंबर है। चलिए यहां एक्स के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्योर नंबर का लीजिए। देखिए फॉर्मेट हमने दिया है, ठीक है। चलिए 24 का एलसीएम लेंगे तो 2, 12, 2, 6, 2, 3। ठीक है, हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3। अब कहने का मतलब है कि इसको दो नंबर के रूप में डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि दोनों का अंतर है 5 आना चाहिए। तो चलिए 2, 2 तो 8 आ गया और 3, दोनों में बड़ा नंबर कौन है जी, 8 है। तो चलिए 8 प्लस में रहेगा, 3 माइनस में रहेगा, है ना जी। तो चलिए कुछ सोचना नहीं है, यहां पर इसके बदले लिख देना है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। 8x में से 3x माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा ना जी। चलिए अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x कॉमन है, ओके। चलिए इसको भी ग्रुप में बांट दिया है और यहां पर x हो जाएगा और यहां x हट गया तो 8 बचे। अब देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस दे दिया। अब देखिए 24 में भी 3 प्रेजेंट है, देखिए हमने जब एलसीएम निकाला है तो देखिए 3 आया है ना जी। चलिए 3 हम भी कॉमन ले लिए, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 8। ठीक है, अब देखिए दोनों घर में क्या देखने को मिल रहा है, x प्लस 8 हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो चलिए x प्लस 8 को हम निकाल देते हैं बाहर और यहां देख रहे हैं कि x बच रहा है और यहां देख रहे हैं कि माइनस 3 बच रहा है। और देखिए मजे की बात है कि x प्लस पी है यानी कि p बराबर 8 है, x माइनस q है यानी कि q बराबर 3 है, यानी कि वही फॉर्मेट है ना। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया, इसको आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके के और प्रॉब्लम दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 69 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट हम 69 का एलसीएम लेते हैं। चलिए 69 का एलसीएम लिए, 3 × 23, अब 23 × 3 लिख सकते हैं। अच्छा, दोनों का डिफरेंस होगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्लस लेंगे, बड़ा वाला नंबर प्लस में, छोटा वाला माइनस में, कुछ देर नहीं करना, यहां लिख देना है 20 के बदले। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस
23x - 3x - 69 हो गया। चलिए इसको ग्रुप में बांट देते हैं, चलिए डिवाइड किया ग्रुप में। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा जी, x होगा। चलिए यहां x बचेगा और यहां पर 23। चलिए हमने 23 लिख दिया और यहां पर दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लिया और मजे की बात 69 में भी 3 आता है, है ना जी। तो यानी कि यहां पर हमने 3 कॉमन लिया, यहां बचेगा x, यहां पर बचेगा 23। अभी देखते हैं दोनों घर में क्या प्रेजेंट है जी, x प्लस 23, x प्लस 23 कॉमन ले लेते हैं। चलिए x प्लस 23 हमने कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा जी x और यहां बचेगा -3। दिस इज योर आंसर और यहां पर लिख देंगे आंसर, क्लियर है ना। ओके चलिए अब देखिए यहां पर देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट 150 का एलसीएम ले लेंगे। जहां कोफिशिएंट 1 रहेगा एक्स स्क्वायर का 150 का, यानी कि प्योर नंबर का एलसीएम लेना है। तो आइए आइए यहां पर तो देखिए 2 75 3 25 5 5 हो गया ना जी। अभी देखिए 2 × 3 × 5 × 5 का है ना जी। अभी देखिए कौन सा ऐसा दो नंबर के रूप में डिवाइड करेंगे कि डिफरेंस यानी कि अंतर 19 आना चाहिए, है ना। तो चलिए हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं देखिए आपको सिखाते हैं 2 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 15 आएगा, 10 और 15 का डिफरेंस 5 आया, हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 19 डिफरेंस होनी चाहिए। तो चलिए ये हमारा गलत प्रोसेस होता है, ठीक है। और प्रोसेस बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम 5 5 में मल्टीप्लाई करते हैं और 5 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 6 और 25 आएगा, यानी कि 25 में से अगर 6 माइनस होता है तो 19 आ जाता है। दिस इज द करेक्ट। तो इसी तरीके से थिंकिंग स्किल आपको बढ़ाना है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, तो इस 6 आया, ये कितना आ गया 25, तो ये प्लस में हो गया, बड़ा वाला नंबर प्लस में होता है, छोटा वाला माइनस में। देर किस बात की, यहां पर लिख डालिए एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150, है ना। अभी देखिए ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, चलिए ये ग्रुप दो ग्रुप हमने डिवाइड किया। अच्छा इसमें कॉमन क्या है जी, एक्स एक्स दोनों में है तो चलिए एक्स को बाहर निकालते हैं, एक्स प्लस 25 और यहां पर देखिए दोनों में मजे की बात है माइनस है तो चलिए माइनस बाहर निकाल दिया, है ना। अब देखिए 6 6 है, 150 में 6 आता है क्या, यस 6 आया है तो क्या बचा है 25 बचा है, तो मजे की बात है 6 ले लीजिए यहां पर लिख दीजिए। अब देखिए दोनों घर में अभी भी प्रेजेंट है क्या, x प्लस 25, चलिए x प्लस 25 को हम काम तमाम करते हैं यानी कि उसके घर से बाहर निकालते हैं और यहां बच गया x। चलिए हमने x लिखा, यहां पर बचा -6 -6 लिखा और ये हमारा हो गया आंसर, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए अब हम आते हैं इसमें, देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो सिर्फ 98 का हम एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं यहां पर, राइट साइड में रफ जरूर कीजिएगा, राइट साइड में रफ करना जरूरी है, ठीक है, ताकि उससे हमको आइडिया मिलेगा कि मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, क्लियर है। तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है, आइए 2 में 4 9 ओके और 7 × 7, चलिए 2 × 7 × 7 इन दोनों में क्या प्रोसेस करेंगे, दो नंबर के रूप में डिवाइड करना है ताकि उस दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 7। तो चलिए तो 2 7 तो 14 हो गया और 1 7 और ये बड़ा सा प्लस में होता है, छोटा वाला माइनस में होता है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए तो जी 7 आया कि नहीं आया, आया है ना, तो चुपचाप इसको तुरंत देर किस बात की लिख डालिए। तो आइए तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 हो गया। अब देखिए दोनों घर में, ठीक है, दो घर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, x, चलिए हमने लिखा x तो x यहां बचेगा, यहां पर 14 बचेगा। अब दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, है ना। अब देखिए 98 में 7 आता है क्या, यस आता है, यहां पर तो 2 2 7 है लेकिन 1 7 कॉमन लेने वाले हैं, 1 7 कॉमन लेंगे तो यहां x बचेगा, 1 7 हटा दिया है तो 7 × 2 14, चलिए यहां पर भी 14 बचा। अब देख रहे हैं क्या कि इस दोनों घर में x प्लस 14 कॉमन फैक्टर है जी, दोनों में प्रेजेंट है तो इसको बाहर निकालिए,
जो मिलता जुलता है उसको बाहर निकाल दीजिए और खटाखट इसको आंसर लिख दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए अब यहां पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट रूट से हट जाता है, घबरा जाता है, लेकिन हम बता देंगे कि रूट में भी आता है तो फैक्टराइज करना आसान होता है, गड़बड़ नहीं करना, दूर नहीं भागना है। ठीक है रवि सर, इसको खेल समझते हैं, तो आप लोग को भी इसको खेल समझना होगा। दिस इज द गेम, दिस इज द कहा जाता है ना कि इंटरेस्टिंग गेम होता है, मजा आ जाएगा। अभी देखिए क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। एक सौ का कोफिशियंट 1 है, सीधे 30 का एलसीएम लेंगे। ठीक है चलिए 30 का हम एलसीएम लेते हैं। रफ राइट साइड में करना मत भूलिए, कोई कोई स्टूडेंट राइट साइड में रफ नहीं करता है, सोचता है कि डायरेक्ट बना ले तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है कहता है कि सर समझ में नहीं आता है, नहीं राइट साइड में रफ कीजिएगा, वो गिव्स आइडियाज, माइंड को आइडियाज देता है और माइंड डेवलप करता है, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो देखिए यानी कि यहां पर लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। मजे की बात है कि यहां पर 3 रूट के अंदर है, तो यानी कि इसको रूट के अंदर में बांट देंगे, है ना जी। अब मजे की बात है कि देखिए 2 इसको √3 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, √3 × √3। कहने का मतलब होता है कि सुनिएगा, ए अगर रूट के अंदर ए रहे तो इसका मतलब होता है ए आंसर आता है ना जी। तो √3 × √3 आंसर आएगा, पूरा बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, तो इसको 2 नंबर के रूप में ऐसे बांटना है कि 3√3 आना चाहिए डिफरेंस। तो हमारे पास आइडिया है, आइडिया ही आइडिया है जी। तो देखिए 2√3 यहां आ गया और यहां हो गया 5√3, और मजे की बात है ये बड़ा सा नंबर है तो प्लस में होगा, छोटा सा नंबर है तो माइनस में होगा, है ना। तो देर किस बात की, लिख डालिए यहां पर x² + 5√3x − 2√3x − 30, है ना। तो 30 आ गया, तो यहां पर देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। चलिए देर नहीं करना है, x कॉमन ले लेना है, x+ यहां पर ही 5√3 बच गया। अब देर किस बात की, इसमें भी आइए। अब देखिए देखिए यहां अकेला है ना x, तो यहां 2√3 कॉमन हो जाएगा, तो चलिए हम यहां पर 2√3 कॉमन लेते हैं, यहां बच गया x, और यहां पर तो प्लस होगा ही क्योंकि माइनस तो बाहर निकाल चुके हैं, और 30 है। अब सुनिएगा 30 में क्या 2√3 आता है क्या, तो देखिए 30 को फैक्टराइज किया है ना जी, 2√3 आया है, तो क्या बचा है, 5√3 बचा है। तो चलिए 5√3 लिख देंगे, और यहां पर पहले इसको मिटकाएंगे, नहीं तो जगह की कमी होगा, जगह के लिए खेद है। अब देखिए यहां पर इन दोनों घर में क्या प्रेजेंट है जी, x + 5√3 प्रेजेंट है, x + 5√3 हम ले लेते हैं, x + 5√3। अब देखिए यहां पर x है, चलिए हमने x लिया, और यहां पर 2√3। दिस इज योर रसगुल्ला टाइप आंसर, बहुत ही आसान है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और कुछ रूट वाला बता देते हैं ताकि आपका आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगे और आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सुनिएगा x² + 2√3x − 24। x² का कोफिशिएंट 1 है, सिर्फ 24 का एलसीएम ले लीजिए। चलिए 24 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 × 12 आया, 2 × 6 आया, 2 × 3 आया। चलिए इसका फैक्टर लिखते हैं, 2 × 2 × 3, है ना जी। अभी देखिए हम यहां देखते हैं क्या कि रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है और हमारे पास यहां पर 3 है, तो चलिए इसको रूट के अंदर भेजते हैं, है ना, आइडिया से हमारे अंदर। तो देखिए 2 × √3 × √3 लिख सकते हैं, है ना। अब एक चीज देखिए, यहां से आइडिया मिलता है और इसको अब 2 नंबर के रूप में डिवाइड करना है, तो चलिए ताकि डिफरेंस आना चाहिए 2√3। चलिए हम बात करते हैं यहां पर 2 × 2 = 4, 4√3, यानी कि 4√3 लिख सकते हैं, और यहां पर 2√3 लिख सकते हैं, है ना जी। बड़ा नंबर प्लस में, छोटा नंबर माइनस में, देखिए 4√3 में से 2√3 माइनस होगा, 2√3 आएगा, है ना जी। तो देर किस बात की, यहां पर लिखिए x² + 4√3x − 2√3x − 24, हमने इसको यहां पर एडजस्ट कर दिया। अब देखिएगा
इन दोनों दो घर में डिवाइड कर दिया। अब इसके बीच में क्या कॉमन है जी, एक्स है, दोनों घर में प्रेजेंट है, चलिए एक्स कॉमन ले लिया, यहां पर एक्स फोर रूट थ्री आया। और यहां पर देखिए टू रूट थ्री कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे अभी हम बताते हैं। तो माइनस तो पहले कॉमन ले लिए हैं, अब देखिए यानी कि यहां पर पहले एक्स लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए। अब देखिए 24 को जब हम बांटे हैं तो टू रूट थ्री, तो सुनिए यहां पर कहीं टू रूट थ्री आया है, चले टू रूट थ्री यहां पर आ चुका है, तो फोर रूट थ्री ना बचा जी। देखिए यहां से भी लिख टू रूट थ्री खत्म कीजिए, टू दूनी चार रूट थ्री, फोर रूट थ्री आया है, तो चलिए फोर रूट थ्री है ना। अब देखिए दो घर है तो दोनों घर में कॉमन क्या है, एक्स प्लस फोर रूट थ्री कॉमन है, कुछ नहीं देर करना है, एक्स प्लस फोर रूट थ्री लिख दीजिए, और यहां बचा है एक्स, एक्स लिखिए, यहां पर बचा है माइनस टू रूट थ्री, चलिए लिख दीजिए और यहां पर घेर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। हम अक्सर बोलते हैं ना कि एक बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और आंसर लिख देंगे ताकि टीचर का ध्यान जाए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, तो कोई बात नहीं 24 का एलसीएम ले लीजिए, देर नहीं करना है। तो चलिए 24 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, 2 2 6 2 3। देखिए 2 × 2 × 2 × 3, अब पांचे की बात है कि रूट के अंदर 2 है, घबराने की बात नहीं है, यानी कि किसी को रूट के अंदर भेज देंगे। चलिए यानी कि हम यहां पर √2 × √2 × √2 × 3, चलिए इसको 2 को रूट के अंदर लिखा तो √2 × √2 2 ही हो जाएगा ना जी, तो घबराने की बात नहीं है। अब देखिए अब इसको दो नंबर के रूप में डिवाइड करना है, ऐसे करना है कि ठीक है कि डिफरेंस आना चाहिए √2, क्लियर है। चलिए अब हम देखिए 2 × 2 = 4 हो गया, और 4 √2 और यहां पर 3√2, कहने का मतलब होता है कि 4√2 आएगा और 3√2 आएगा, 3 चलिए जी अच्छा से लिखा जाइए आप, 3√2 आ जाएगा। तो यानी कि अब 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा, चलिए यहां पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4√2 एक्स माइनस 3√2 एक्स माइनस 24। अब देखिए दो भाग में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अब दोनों के बीच में कॉमन लेते हैं, दोनों के बीच में क्या कॉमन है जी, एक्स है, तो यहां क्या बचेगा एक्स, यहां पर बचेगा 4√2, ठीक है। अब यहां पर माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, और मजे की बात है कि देखिए 24 में 3√2 आ रहा है क्या, यस आ रहा है, देखिए 3√2 है तो क्या बचेगा 4√2, आराम से लिख देंगे जी। चलिए 3√2 एक्स प्लस 4√2, अब देखिए 4√2 यहां, अब दोनों के बीच में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 4√2 कॉमन है, यहां पर आइए एक्स प्लस 4√2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा एक्स माइनस 3√2, तो चलिए एक्स माइनस 3√2 हमने लिख दिया और यहां पर हमने लिख दिया आंसर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहां पर इक्वल में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट 30 का एलसीएम ले लेंगे, चलिए हम एलसीएम लेते हैं, देर नहीं करना है, 15 ले लीजिए, 3 में 5 ले लीजिए, और 2 है, 3 है, 5 है। देखिए मजे की बात है कि रूट के अंदर कौन है, ध्यान देना है, तो 5 है, तो चलिए हम 5 को ही रूट के अंदर रख देते हैं। चलिए यानी कि कालिया 3√2 × 3 कालिया जी आप लिखा जाइए √5 × √5। अभी देखिए दो नंबर में डिवाइड करना है जिसका डिफरेंस 5√5 आना चाहिए, तो देखिए 3 × 6 = 6√5 आ गया, 1√5 है, तो देखिए 6√5 में से √5 माइनस करेंगे तो 5√5 आ जाएगा, आएगा ना जी। तो चलिए घबराने की बात नहीं है, बड़ा वाला प्लस में होगा, छोटा वाला नंबर माइनस में होगा, है ना। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं छोटा नंबर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 6√5x − √5x − 30। अब देखिए दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है कि यहां पर एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस 6√5 माइनस, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए
रूट फाइव है 30, 30 में क्या रूट फाइव है क्या? यस रूट फाइव है, रूट फाइव को हटा दीजिए, क्या बचेगा? सिक्स रूट फाइव, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, फाइव कॉमन लीजिए, सिक्स कॉमन लीजिए, सिक्स रूट फाइव लिख दीजिए, है ना। अब देखिए मजे की बात कि दोनों में सिक्स एक्स प्लस सिक्स रूट फाइव कॉमन है, तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस सिक्स रूट फाइव। एक बात इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स माइनस रूट फाइव, ठीक है। चलिए हम इसको घेर करके ब्रैकेट के अंदर आंसर लिख देते हैं। मजे की बात क्या है कि सुनिएगा, एक चीज बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, सुनिए, जब हम बात करते हैं ना कि ऐसा प्रॉब्लम्स को, तो यानी कि जैसे ही कॉमन लेते हैं ना यहां पर, ठीक है, तो हूबहू जो ये नंबर होता है ना, यही नंबर यहां चला आता है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। देखिए यहां भी कॉमन लिए है ना, जो यहां नंबर है ना, सेम टू कॉपी नंबर आ जाता है। अब देखिए यहां भी है, तो यहां भी जो हम कॉमन लिए है ना, तो देखिए एक्स प्लस सिक्स रूट फाइव है ना, दम यहां भी कॉमन यही लेंगे, दम टूटल। अगर नहीं समझ में आ रहा था लिख दीजिएगा यही। अगर किसी कोई स्टूडेंट फंस रहा है कि सर कॉमन कैसे ले, कॉमन कैसे ले, तो घबराने की बात नहीं है, यहां पर कॉमन ले लीजिए और हूबहू यही वाला लिख दीजिए, यही है ना। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से बनाइए, ठीक है, समझना है, सॉल्यूशन करना है, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होना छोड़ना नहीं है, इसको नोट कीजिए। और हां मजे की बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, और अभी सर का कॉन्सेप्ट समझते रहिए, और यहां से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के ही जाना है, लेकर के ही जाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।